आई एम फीलिंग वेरी कंटेंटेड. आई एम फीलिंग के एक होता है ना ग्लास, मेरा ग्लास अभी फिलहाल ब्रिम तक भरा हुआ है प्यार से, मोहब्बत से, इश्क से, क्योंकि ये फिल्म है ब्लडी इश्क. Absolutely loved her. She is the most beautiful actress, one of the most beautiful actresses that we have seen, and she's supremely talented. So I feel very proud when that tag is given to me. You get really Sufi when your day starts with conversations with Bhatt Saab. Then you go into a zone of just Sufiana. अरे बड़ा मस्त, सब कुछ मस्त चल रहा है. I've seen people be involved in my life in such a way that जब भी मैं कुछ नहीं बताती हूँ तो मुझे ही guilt feel होता है कि यार लोग तो इतना प्यार करते हैं, blessings ही मिलेंगी तो बता ही दो. कुछ छुपाने से अच्छा मैं clear ही रखती हूँ. ये transparency जो day one से चलती आ रही है audience के साथ, वो होना चाहिए, तभी जाके उन्हें लगेगा कि ये तो अपनी बेटी है. We as artists are so blessed that Bhatt Saab used to visit us on set and be next to us while we were performing. Bhatt Saab has this unique way of studying the human mind और human psyche को जैसे वो समझते हैं, मुझे लगता है कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट भी नहीं समझता होगा. Hi Avika, hi Vardhan, welcome to Filmy Beat. Hi, Hi, thank thank you. you for having us. Thank you. First of all, I think not even a day left, like a few hours left for the release of Bloody Air. What kind of the feeling right now you guys have? Nervous, excitement, पेट में butterflies, क्या हो रहा है? Honestly, confusion और of course nervousness. बहुत 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 खुशी कि फाइनली हो रहा है, लोग देख पाएंगे हमने क्या क्रिएट किया है. एंड एंड अ लॉट ऑफ लव आई एम फीलिंग फॉर द टीम, क्योंकि बहुत मेहनत की है यार सबने. फ्रॉम आर डायरेक्टर विक्रम सर टू आर राइटर महेश जी और उनकी टीम, आर म्यूजिक डायरेक्टर प्रतीक, आई थिंक एवरीबॉडी हैज डन सच अ गुड जॉब. एंड बहुत प्यार फील हो रहा है सबके लिए, इवन ऑफ कोर्स इसके लिए भी थोड़ा बहुत. Vardhan, what Oh about you? yeah. Yeah, it's a feeling of being loved and being grateful. I think जब भी मैं कोई फिल्म करता हूँ तो मेरी एक ही तजवीज रहती है कि मेरे क्या जो रहती चाहने वाले, तजवीज है? मतलब पावरफुल. एक ही ख्वाहिश रहती है कि मेरे जो चाहने वाले हैं और जो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे यार दोस्त हैं, उनको फिल्म अच्छी लगे. और वो हमेशा मुझे लगता है. पर इस बार आई टेल यू व्हाट, द प्रोसेस हैज बीन मोर स्पेशल देन व्हाट एवर द आउटकम विल बी. बिकॉज ड्यूरिंग इस फिल्म के दौरान मेरी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो अब मेरे परिवार का हिस्सा है. ये बहुत क्लीशे साउंड होगा पर आई मीन इट. When I think of Bhatt Saab, when I think of Vikram sir, when I think of Manish, who is the co-director, Avika, Pratik, my AD team, one of the best AD teams we've ever had. Each one of them is so special. My makeup artist, my hair, my personal assistant, all of them just made me feel so loved. So, जब मैं फिल्म के प्रोसेस के बारे में सोचता हूँ, मुझे मैं इमोशनल हो जाता हूँ यार. मुझे लगता है कि यार ये फिल्म खत्म नहीं होनी चाहिए थी, ये बस बनती रहे बनती रहे बनती रहे, ताकि रोज मैं अभिका के साथ बातें कर सकूं, मैं उसके साथ खाना खा अरे सकूं, विक्रम सर के साथ बैठूं जब वो एडिटिंग कर रहे हो, भट्ट साहब जब आए मैं उनको रिसीव करने बाहर जाऊं, गले लगो, उनका प्यार सोक इन करो. तो ये फिल्म ऐसी रही है कि ऑलरेडी प्रोसेस इस फिल्म का इतना सुपर हिट है. Now, whatever the outcome is, hopefully people love the film. बहुत दिल से बनाई है, पर I'm feeling very contented. I'm feeling के एक होता है ना ग्लास, मेरा ग्लास अभी फिलहाल ब्रिम तक भरा हुआ है प्यार से, मोहब्बत से, इश्क से, क्योंकि ये फिल्म है ब्लडी इश्क. अरे अभी का यू नो पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग यू द न्यू बिपाशा बासु बिकॉज़ देयर हैज बीन लाइक बैक टू बैक हॉरर फिल्म्स. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट प्लस वर्किंग विद विक्रम भट्ट? आई लाइक इट एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड हर. शी इज द
most beautiful actress, one of the most beautiful actresses that we have seen, and she's supremely talented. So I feel very proud when that tag is given to me. And it is interesting because उन्होंने भी मल्टीपल फिल्में की इस टीम के साथ, और अब मैं भी कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है सुनकर. लेकिन ये भी समझ आता है कि उनके अलावा भी बहुत सारे एक्टर्स ने भट्ट के साथ काम किया, लेकिन उन्हें ये मौके नहीं मिले हैं. तो बहुत प्रिविलेज फील करती हूँ मैं कि महेश जी और विक्रम सर और उनकी पूरी टीम को लगता है कि यू नो आई डिजर्व टू बी इन अनदर फिल्म ऑफ देयर्स. एंड ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह मैं देखती हूँ. और हमारे लिए, हर एक्टर के लिए एक लिस्ट होती है ऑफ पीपल यू वांट टू वर्क विद. और मेरे लिए उस लिस्ट में महेश जी, विक्रम जी, ये सारे नाम ऑफ कोर्स थे. और मुझे अगर उनके साथ मौका मिलता है एक नहीं दो बार, इससे ज्यादा और बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी लाइफ में. सो आई जस्ट फील वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी. और आगे भी अगर मौका मिलेगा तो मैं ऑफ कोर्स करूंगी. You know, Vardhan, I was going through the comments on YouTube, and a lot of people have said that, you know, you are the most underrated actor, not getting a Yes. chance to shine. So, do you really feel that the Bollywood has failed to tap your talent and give you the roles that you deserve? Yeah, every time अभी क्या तो हाँ बोल रही I love being I love being called underrated, yeah, because then the horizon is vast and there's so much to explore. I'm just scratching the surface. I'm very new, very young, very naive in a certain sense. But when directors like Bhatt Saab and Vikram sir show faith in you, and when they give you a film like this, it opens up many avenues. So yeah, luckily, once they signed me, a lot of really mighty and very gifted directors have been approaching me with scripts, and a lot of big filmmakers are coming to me. So very soon there will be some touch wood big announcements, and hopefully with my hard work, with my passion towards cinema and my cine literacy, I will be able to make you proud very soon. When someone calls me underrated, I love it. I feel like, yay, this is amazing. You have no idea of my potential, and very slowly with my work, I will make you happy. I will make you smile. I will entertain you, because I'm here to do that. I'm here to make you smile. I'm here to make you cry. I'm here to make you feel emotions. So, yeah, it's all going to happen with time. That's such a beautiful thing about the Bards, because they are known to, you know, get people in who have the potential but are, you know, somewhere not getting the right kind of opportunity. One example being me. So I think वो, आई थिंक वो इंसान में या उस एक्टर में या उस क्रिएटिव इंडिविजुअल में वो चीज देख पाते हैं जो शायद बहुत लोग फिलहाल नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन दे नो व्हाट दे आर केपेबल ऑफ. एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग टू बी इन दैट लिस्ट एंड इन दैट कैटेगरी जहाँ पे हमें महेश जी और विक्रम जी का वैलिडेशन मिला. एंड इट्स अ बिग डील. आई एम आस्किंग दैट कि यू नो इन रियल लाइफ इश्क इज ब्लडी और ब्लॉसम. जैसे अविका की मैं बात करूँ तो आई थिंक इश्क इज ऑलवेज ब्लॉसम फॉर, वो हमेशा बात भी करती है बहुत खुशी से. बट वरदान, आई वुड ऑफ कोर्स लाइक टू लर्न फ्रॉम यू एज वेल कि भाई ब्लडी इश्क है लाइक रियल लाइफ में कि ब्लॉसमिंग इश्क है. एंड मेरे बारे अविका में ऑफ तो कोर्स सबको पता है. आपके वर्धन वर्धन ने पर वांट भी टू मैं नो, बातें सुनना द चाहूंगा. नेशन वांट्स टू नो वर्धन. अरे मेरा यार, आई हैव सीन वेरी ब्लडी इश्क इन द पास्ट, सो आई हैव लर्न्ड दैट if I want to keep my love ever blossoming, then I will have to be madly, passionately, deeply in love with myself. Because I am my greatest companion. I am my greatest lover. There's nobody in this world who knows me like I know myself. So as long as I feel warm inside, my bloody ishq will always be bloody blossoming. And I think duality बहुत जरूरी है. जब आपने अंधेरा नहीं देखा हो तो उजाले से आपको कभी इश्क हो नहीं पाएगा. तो अंधेरा अंधेरा तो मैंने देखा है काफी सारा. आज मैं सूरज की किरणों में अपना इश्क देखता हूँ. वाह बापरे. वरदान इज इन द सूफी जोन टुडे के यू नो मैं उसी जवाब बिल्कुल में बिल्कुल. आई एम सेइंग यू गेट रियली सूफी व्हेन योर डे स्टार्ट्स विद कॉन्वर्सेशंस विद भट्ट साहब. देन यू गो इनटू अ जोन ऑफ
जस्ट सूफियाना। करेक्ट. अविका, आई नो कि आपका लव तो ब्लॉसमिंग है, इश्क बहुत अच्छा है, बट इफ यू वांट टू ऐड समथिंग एंड टेल अस टू योर फैंस कि भाई कैसा चल रहा है अभी फिलहाल वापस. अरे बड़ा मस्त, सब कुछ मस्त चल रहा है. बट आई थिंक आई हैव टच यू वुड, टच वुड। नो बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग एंड आई हैव सीन पीपल बी इन्वॉल्व इन माय लाइफ इन सच अ वे दैट जब भी मैं कुछ नहीं बताती हूँ तो मुझे ही गिल्ट फील होता है कि यार लोग तो इतना प्यार करते हैं, ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी तो बता ही दो. दैट्स द रीजन आई फील कि यार कुछ छुपाने से अच्छा मैं क्लियर ही रखती हूँ. ये ट्रांसपेरेंसी जो डे वन से चलती आ रही है ऑडियंस के साथ, वो होना चाहिए, तभी जाके उन्हें लगेगा कि ये तो अपनी बेटी है. सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज वर्किंग फॉर मी. करेक्ट अमेजिंग। करेक्ट. यू नो आई वुड लाइक टू नो कि महेश भट्ट जो है इज वन ऑफ द लेजेंडरी फिल्म मेकर्स, क्या वो कभी सेट पे आए थे, उन्होंने आप दोनों को कुछ एडवाइस दिया दैट यू नो डू दिस सीन लाइक दिस वे, कभी भी ऐसा कुछ इंटरेक्शन उनसे हुआ था? अभी का स्टार्ट करो। काफी बार एक्चुअली. और मेरा इंटरेक्शन उनसे 1920 के समय से होता आ रहा है. और बहुत प्यारी बात यह है उनके बारे में कि वो ऑफकोर्स बताते हैं कि सीन कैसे करेंगे तो कैसे बेटर लगेगा, क्या होगा, बट ऑन टॉप ऑफ इट ऑल आई थिंक हिज फोकस इज फॉर अस टू रियलाइज व्हाट वी आर केपेबल ऑफ. एंड ही बेसिकली वो हमारी लाइफ के लिए या हमारे हमें अपने अंदर झांकने के लिए कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं जो हमें तब शायद रियलाइज ना हो कि वो उसका मीनिंग क्या है, बट आगे जाके हमें वो चीजें काम आ जाती हैं. एंड इट लाइक मेक्स यू अ मच मोर डीपर पर्सन. एंड आई थिंक दैट दैट हेल्प्स. वो हमें इमोशनली और मेंटली जो इस सेट पे ट्रेनिंग मिली है थ्रू हिम एंड थ्रू विक्रम सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज एन एक्टर. क्योंकि आपको आपको एक ऐसा डायरेक्टर नहीं चाहिए जो आपको बताए कि ये डायलॉग ऐसे बोलो, आपको एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए जो आपको समझाए कि क्या चल रहा है उस कैरेक्टर के दिमाग में, उसकी लाइफ में और उसके मन में. एंड देन आई थिंक यू कैन गिव योर 100%. वाह वाह। आई जस्ट लाइक टू ऐड दैट आई थिंक वी एज आर्टिस्ट आर सो ब्लेस्ड दैट भट्ट साहब यूज टू विजिट अस ऑन सेट एंड बी नेक्स्ट टू अस व्हाइल वी वर परफॉर्मिंग। भट्ट साहब हैज दिस यूनिक वे ऑफ स्टडिंग द ह्यूमन माइंड और ह्यूमन साइकी को जैसे वो समझते हैं, मुझे लगता है कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट भी नहीं समझता होगा, क्योंकि उन्होंने इतनी जिंदगी देखी है। ही इज बीन थ्रू रिलेशनशिप्स, फेल्ड रिलेशनशिप्स, ही स्टिंट विद अल्कोहल, ही स्टिंट विद सिनेमा, ही इज रिलेशनशिप्स विद हिज ऑडियंसेस, हिज चिल्ड्रन। इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड वो जब आपके कान में इंस्ट्रक्शंस देते हैं और आपको आपके दिल में झांक के आपको समझाते हैं कि यार ये सीन लिखा ऐसे गया है पर इसका सब टेक्स्ट ये है, आपको ये समझना है। उन्होंने मुझे एक चीज बोली, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन इंस्टेंस। एक बारी मैं सीन कर रहा था और उन्होंने मुझे बोला कि हाउ आर यू लुकिंग इन द फ्रंट, तो आई सेड आई एम जस्ट लुकिंग इन द फ्रंट विथ माई आईज लाइक आई डू। ही सेड नो, फॉर दिस सीन आई नीड यू टू लुक बैकवर्ड, नॉट इन द फ्रंट, बिकॉज यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इमेजिन दैट देर इज अ हैंड बिहाइंड यू ट्राइंग टू टच योर स्पाइन। सो योर लुक विल नॉट जस्ट बी लाइक दिस, बट इट विल बी मोर इंटरनल एंड मोर बैकवर्ड। इमेजिन माई हैंड ऑन योर स्पाइन फॉर द रेस्ट ऑफ द सीन एंड यू विल बी होम। दैट इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म द सीन। एंड वाह, कॉन्स्टेंटली थ्रू द सीन I was just imagining his touch on my spine. So I gave the scene like this, and I don't even know what I did. But once it got over, he just hugged me and he told me, monitor, dekh. And I saw it and I was like, yeah, I don't know what I did. He's saying, exactly. Every time you don't know what you've done, it's brilliant. Every time you know that you've done a good job, you were too aware, too conscious in the scene, and you failed as an actor. So that is the level of genius of this man, Bhatt Saab. And Vikram sir and he are such a lethal combo together. Because one is a guru, one is a student. And that student is our guru. So it just is a beautiful relationship where we are vicariously learning from Vikram sir every time. And every time we are speaking to Vikram sir, we are speaking to two people. We are speaking to Bhatt Saab and Vikram sir. Every time we are speaking to Bhatt Saab, we are speaking to two people, Bhatt Saab and Vikram sir. Because the student is the guru of the student.
यू नो व्हाट आई एम सेइंग, काफी अमेजिंग था. करेक्ट. यू नो आई थिंक आई जस्ट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू देम टुडे आई थिंक, बट होपफुली सून आई गेट अ चांस टू इवन स्पीक टू देम एंड इंटरव्यू देम. बट इट वाज लवली चैटिंग विद यू गाइस आल्सो एंड ऑल द बेस्ट ब्लडी इश. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू मुर्तजा. Thank you.